नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रायल ऑफ इंडिया विद ट्रायल बॉय चैनल में। आज हमारे साथ आए हैं मोटो बाइक राइडर, उसका आज साथ हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि आपका नाम सभी को बताइए ताकि पता चले। नमस्कार, मेरा नाम साजू गोकानी, मैं बिलोंग करता हूँ जामनगर से। मैं अभी रहता हूँ अहमदाबाद और मेरा एक होटल कोर्स किया हुआ है स्विट्जरलैंड से, यूरोप से। और ये बाइकिंग का एक क्रेज था शुरुआत से, था जब से पैदा हुआ तब से। मैं फादर खुद विंटेज कार और बाइसे कलेक्टर विंटेज ऑफ एंटिक जमाने के जो होते हैं विंटेज कार, उसके कलेक्टर है। तो उससे ये पैशन मेरे में आया, उसका एक जो ब्लड होता है मेरे में समा गया। और फिर उसका एक मैंने जाना कि इसका क्या बहुत राइडिंग का, तो वो सोचा कि जो हम पहले करते थे राइडिंग, मतलब हमारी जो खेल कूद की जो होती थी मस्ती, वो हम भूल गए। तो उसकी याद रहने के लिए हम ये करते हैं ताकि लोगों को याद रहे कि जिंदगी का एक दूसरा अर्थ है कि जल्दी का नाम जिंदगी। तो वो एक मजा उठने के लिए आप जब भी संडे को टाइम से निकल पड़ो और बस अपनी अपना जिंदगी का आनंद उठाओ। आप कितने साल से ये बाइक राइडिंग का? 2015 से स्टार्ट किया मैंने, 2015 या जब मैं लाइसेंस आया तब से। बाकी मेरा क्रेज था वो तो एंड मेरा बॉन्ड था तब से आया। आपका वेंट था नेटिव प्लेस जामनगर? जामनगर। कभी कहाँ रहते थे? अहमदाबाद। तो वहाँ क्या करते हैं? जॉब सर्चिंग। जॉब सर्च मैं होटल एज अ सेड आई एम टू होटल मैनेजमेंट ब्रिंग फॉर। तो आपके पास कौन सी बाइक है और ये बताइए कि आप हर सीजन में कैसे आप मैनेज करते हो ये बाइक राइडिंग? मेरे पास दो बाइक्स हैं, एक हिमालयन है और एक दूसरी हार्ले डेविडसन सुपर रेटेड 3। मैनेज का उसमें है कि बस भगवान की कृपा है कि मतलब अभी तक पापा का सपोर्ट है। आज लेके आए हो हिमालयन? हाँ, आज हिमालयन। ये जो देख रहे हो हिमालयन सबसे वर्ल्ड में ग्लोबली हाईएस्ट रैंक है सेलिंग में, जिसके प्रेम लोगों को दिल छू गया है। जो भी जाता है लड़ाख, तो यही होती है इसके पास, क्योंकि लड़ाख में ऑफरिंग खूब होता है, तो इसकी जरूरत पड़ती है। इससे टायर्स का जो टायर सस्पेंशन है वो काफ़ी लंबा है, तो इस वजह से राइडिंग में भी कंफर्ट होती है। और प्लस कोई बम्प आया जिसमें कैसे जॉब किया, वही इसका मेन प्लस पॉइंट है। और दूसरा है मैन्युअलिंग काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कोई छोटे सी गली हो उसमें भी काफ़ी अच्छा आता है, बैलेंस होता है। तो ये आप कभी टूर में गए हो दूर तक? दूर तक हाँ गया हूँ, मतलब बाउंड्री ट्रिप होती है। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन चक्कर 2020 में ऑक्टोबर में तब मैं गया था चोटीला। हाँ, 370 किलोमीटर कवर किया एक दिन में सुपर में हार्ड डिविजन में। तब रोड तक बिगड़े थे पान भगवान कृपा से हम सेफ पहुँच गए। हम लोग निकले सुबह को 10:30 को और ट्रैफिक बहुत था, और हमने मैनेज किया कि हम रात को पहुँच जाएँ, तो हम लोग सेफ पहुँच गए। बस वही ब्लॉग मेरे यूट्यूब में भी है, छोटा सा 2 मिनट का देख लेना। ये आप हर दिन करते हो बाइक राइडिंग में? हाँ, हर दिन करता हूँ जब मैं टूर करूँ तब। बाकी सिटी में तो हेलमेट ही ओके, क्योंकि क्या कि वरना फिर सिटी में आपको पसंद हो जाएगा तो उसमें भी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ये हैवी के लिए है। और मेन बात, तो जब भी जाओ हाईवे पे ऐसा सिटी में हेलमेट जरूरत है। ज़रूरत नहीं कि ऐसा कि छोटा बिजनेस गया तो नहीं करने का, क्योंकि पता ही कोई गलत से निकलेगा, इसलिए कभी भी अपने आधार पे रहो, दूसरे के आधार पर मत रहो। बस मेरा ये कहना है मेरे पास, क्योंकि मैंने उसके लिए खास रैली की थी अहमदाबाद में 2019 जनवरी स्टार्टिंग में, जब मैं वहाँ से था यूरोप स्विट्जरलैंड से, तब मैंने ये प्लान किया था कि हर साल नए लोग उसकी जश्न मनाते हैं। तो मैंने एक कुछ अच्छा सोशल पोस्ट बनता, तो ये था मैंने खुद अकेले ये रैली चालू की। और फिर मैंने ये किया कि 20 लोगों को इकट्ठा किया, मैंने बताया कि ये फ़ोन अलाउड नहीं है और फ़ोन पे बात करने का अलाउड है, फिर फोन बात करना और साइकिल पे बात कर लो, पर प्लीज़ डिस्टर्ब पीछा भी होता है, तो इसलिए डिस्टेंस भी रखो बाय ड्राइविंग, बस मेरा ये है। और हाँ, लेन ड्राइविंग सेफ ड्राइविंग। तो ये है बाइक राइडिंग का जो हेलमेट होता है, उसके बारे में आप कुछ बताइए कि उसमें क्या क्या सिस्टम आती है। ये मैं ली थी 2018 के पहले, ऑलमोस्ट 2017 या 2018 में, ऑलमोस्ट 3-4
साल हो गए, काफ़ी अच्छा यूज़ है इसका। ये है सैनिटेंसी प्रो, इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं दिख रहा है ये जो नाम है। इसमें ब्लूटूथ है, एक कैमरा है 1080p, इसमें क्या है कि इसका आता है एप्लीकेशन तो उसमें कैमरा स्टार्ट होता है, इसके लिए कोई बाइक जरूरत नहीं पड़ती, तो ये काफ़ी ईजी है। तो बस अच्छा ईजी है कि इसमें फ़ोन टू यूट्यूब होता है, इसमें कोई जनरेट नहीं है। और इसमें GPS है, एक इंटरकॉम है, म्यूज़िक है, FM रेडियो सब कुछ है। इसके लिए बिफोर यू यूज़ एक बार इट करने का, इसके इंस्ट्रक्शन कैसे ऑफर करने का, इसमें जॉट डायल ये है, इसके ये स्टार्ट के लिए है, ये है इंटरवल स्टार्ट के लिए, और फिर इसके लिए म्यूज़िक चेंज करना हो सॉफ्ट तो उसके लिए, और कैमरा के लिए दो बटन है यहाँ से, तो कैमरा चालू होगा, जब फोटो लेना हो एक बार क्लिक करने का और दबाना हो तो वीडियो की फोटो लगाओ। और ये इसका माइक है, वो माइक अंदर से स्पीकर है, और ये भी पीछे स्पीकर है, और ये जो राज का जो वीडियो देखा वो मेरे यूट्यूब में है, और ये मैं किसकी बाइक का है हाइड्रेशन का, और ये ब्लड ग्रुप का है, ये सब भी है, और ये बाइक है उसका टोटल आई गेस 20-30 स्टिकर्स होंगे बाइक में, इंक्लूडिंग ट्रिप के जो द्वारका का है जो इसको टैंक बैग के नीचे में, और एक फ्रंट में है वो भी द्वारका का है, और इस साइड है स्कूबा डाइविंग का है। तो ऐसे आप बाइक लेकर सभी जगह जाते हो? हाँ, क्योंकि ये बड़ा आपने कितने किलोमीटर का सफ़र किया होगा अब तक? 19 के अबाउट राइड्स हो चुके हैं, ये जो इंटरव्यू था वो 18 में था जब मैं 15 राइड की, फिर उसके बाद मैं यूरोप गया स्टडीज के लिए, फिर वहाँ पर राइड की, अब सभी बाइक चलाई है, जो भी RCC इंजन है, 18cc इंजन है, जिसका वजन 290 kg वो चलाई है, सभी जिसमें सभी हैवी बाइक है 290 kg, इंजन मोटरसाइकिल क्रॉस अगर इंजा H2 सभी बाइक्स है। मेरे पास का रिकॉर्डिंग भी है वॉइस का कि सुनना, मैं उसको शेयर कर सकता हूँ, और किसी को बाइक लेनी हो कोई भी सजेशन कर लो उस सकते मैं उनको बेटर दूँगा एडवाइस, ताकि उनको हाँ ये मेरा इंस्टा आई डी है, इंस्टा आई डी और यूट्यूब का भी और फेसबुक पेज भी है जो मैं देख रहा हूँ। आपको कैसा लगा थोड़ा जी यहाँ आके? हाँ, काफ़ी अच्छा लगा था, नया भी है इससे, वहाँ से आए जूनागढ़ से, तो अभी थोड़ा देखा होगा, थोड़ा देखा भी काफ़ी अच्छा जगह था, पर से भी एक प्रॉब्लम है कि रोड का रोड का तो बहुत इसके लिए प्लस पॉइंट है कि इसमें मज़ा आती है चलाने में, एक ऑफ रोडिंग है और प्लस कम्फर्ट जोन भी है, कम्फर्ट है मतलब इसकी सीट इतनी अच्छी है कि दोनों का अच्छा मिलाट है। और अगर इससे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप 3 घंटे चलाओ तो भी थकान नहीं होती, कि इसका एकदम स्ट्रेट है, बाकी पोस्टर बैंड भी नहीं हो सकता, ये इसका मतलब। हाँ, 180 लेस का बाइक था 2016 में, जब इंडिया बाइक वीक लॉन्च हुआ था गोवा में, अभी प्राइस होगी 230, वो भी विद ABS चल रही है, पर ये अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, वेरी हैप्पी, तो इसमें चाहिए इन फ्यूचर ले सकते हैं। ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए जो जो किया है अपने फ्रेंड के साथ वो थोड़ा बहुत यूट्यूब के मित्रों को बताइए। मैं 2019 में जब बाल कृष्ण वेकेशन के लिए स्विट्जरलैंड से अहमदाबाद, तब मेरे मन में ये सवाल उठा कि अभी वहाँ से ट्रैफिक का काफ़ी सिक्का आया हूँ कि ट्रैफिक का क्या महत्व है, तो यहाँ पर आके मैंने मेरे एक फ्रेंड है जो एक ऑफिसर पुलिस ऑफिसर, उनसे हेल्प ली, उनसे कॉन्टेक्ट मिला, वो खुद मेरे को मुलाकात की, मेरे सर जो है रट व्यास जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर गाइड हैं शायद से उनको पता नहीं, और उन्होंने कमीशन से मेरे बनाया लेटर बनाया, और उसके बाद स्टार्ट किया हमारा प्रोसीजर कि हम टोटल 20 बाइकर्स होंगे, हमारा रूट होगा पकवान से SGI में, SGS होगा और सरखेज, वहाँ से बैक टू पकवान चार्ज का वो हमारा रूट था, उसके साथ दो ट्रैफिक पुलिस थे, दो आगे रहते थे जो लोग हमें ऐसे पेट्रोलिंग कह रहे थे, और उसने मैंने बिफोर राइड के बारे में बोला था, मेरे पास का एक है वीडियो वो शेयर करूँगा आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि जब भी मैं राइड करता हूँ देखा है कि लोग जो भी जब से स्कूल में जाते हैं
जब हेलमेट आते हैं पेरेंट्स की चिंता होती है, तो इसलिए जैसे कि हेलमेट लो ताकि उनको चिंता कम हो। और ईयरफोन सबसे घटिया चीज़ है जो आप क्या कुछ पता ही कोई सामने पीछे से आएगा खुद देगा तो आपके लाइफ रिस्क है। क्योंकि सपोज हेलमेट लोगे उसकी प्राइस क्या होगी 5500 कुछ 6000, पर अगर जाओगे हॉस्पिटल तो 100000 खर्चा। तो इससे कोई क्या करना है आपको हॉस्पिटल जाना है तो सेफ रखना लाइफ उसके ऊपर ही डिपेंड है। ये ट्रैफिक सेफ्टी पर ट्रैफिक में क्या भगवान ने पुलिस को असाइन किया है आपकी जिंदगी बचाने के लिए, तो इसके उसके खिलाफ मत जाओ। उसको अप्रिशिएट करो कि आपको हेलमेट पहनने के लिए फोर्स करें कि आप पहनो ताकि आपकी जान बचा रहे और आप सुरक्षित रहो हाईवे पर। क्योंकि हाईवे पर जाओ कहीं पर जाओ आपको हेलमेट पहननी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही चला कोई सामने से कोई अगर इनसे घुस गया तो आपको तो बहुत ही डिस्टर्ब करेगा और चला भी नहीं पाओगे। इसलिए हेलमेट तो ज़रूरी है, इसका तो राइडिंग का तो कोई यूज़ ही नहीं। कि मैं राइडिंग खुद करता हूँ हेलमेट में मुझे पाता ही नहीं, इसलिए आलस नहीं करने की। जब भी अगर इच्छा हो ना हो तो बाहर नहीं जाने का, जब इच्छा हो तो पहन नहीं कर जैसे। अभी यहाँ से थोड़ा सी आप कब जाने वाला द्वारका के लिए? फिर कल या तो परसों जाऊँगा, एक बार हमारा लगेज सेट हो जाए फिर हम मॉर्निंग निकलेंगे। वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे मैं कलीग से एक टेम्पल नागेश टेम्पल जो है वहाँ पे मेरा फ्रेंड है वो कुछ जा रही है वहाँ जाऊँगा। फिर वेट द्वारका जाऊँगा क्योंकि मैंने आया था तो 2021 जुलाई में फर्स्ट 4th जुलाई को वेट द्वारका, तो मैंने होमवर्क किया था कि वहाँ कहाँ कहाँ जाऊँगा। तो ये ट्रिप के लिए मैंने इंतज़ार किया था 2 महीने की, अभी मेरे को स्कूबा डाइविंग करना है और काफ़ी अच्छा वेदर है तो आई होप कि भगवान की इच्छा हो तो मेरे से बड़े की विश पूरी हो जाएगी। मैंने स्काई डाइविंग किया हुआ है 3000 फीट से स्विट्जरलैंड में -10 डिग्री में, हैंग ग्लाइडिंग किया हुआ है और पैराग्लाइडिंग, तो ये मेरा एक फुल एडवेंचर है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं मेरे अंदर बिल्कुल भी पैराग्लाइडिंग नहीं है, मुझे कोई इसका डर नहीं, कोई ऊपर से गिरने का तो कहीं का नहीं। मेरा ये एक ड्रीम है कि मैं फुलफिल करूँ और ये एडवेंचर सिर्फ करने के लिए नहीं, बाकी एक मज़ा है कि आप लोग काठौड़ में हो तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हमारे पर कृपा है कि लोग इस मत जैसे बढ़ाएंगे जो तो इसका लिख रहे हो ये जो है बढ़ाइविंग का 25 फीट डीप इन साइड वाटर जो शेयरपुर बीच में है ना। आपको ले जाते हैं टापू के समझा के ब्रिफिंग करते क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और प्लस मास्क, क्योंकि अगर घूस अगर शक करके तो आपके अंदर छाती में आ जाएगी पानी तो उससे कैसे लेने का एडवेंचर का एक अलग नज़ारा है। और वो कहते हैं ना कि अगर जिंदगी का आने में भूल गए तो समझने की इससे आपको खतरा हो, आपको अंदर से धमकाया जाए, बस आप भगवान का नाम लो पर काम करो, कुछ सोशल वर्क करो जिससे कि लोग हेल्प हो। और हाँ दूसरा एक है वो मतलब बात बताऊँगा लास्ट में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो मित्रों को। श्योर, राइडिंग में जैसे कि राइडिंग का जो शौक है तो मैं लोगों को देता आ रहा हूँ यंगस्टर्स को हो, ताकि हमारे यहाँ सौराष्ट्र में किसी को मांगने की भी पहनता हूँ मैं और मैं उनको बताता हूँ कि ये कोई ऐसा कोई मिलिट्री ड्रेस नहीं है, ऐसा राइडिंग जैकेट है, ये जो पैर यहाँ पहनता हूँ ये है और यहाँ का ये है और ये इसमें काफ़ी सारे होते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये राइनस जैकेट है, इंडियन मेक है, इसका शोरूम है मुंबई में। तो ये जैकेट सेफ्टी भी होती है, इसमें सेफ्टी इसलिए ताकि आपको इंजर्ड ना हो और इससे आपके खर्चे बढ़े नहीं। और ये भले आप लोग इसका खर्चा के सामने खर्चा रहता आता है तो मैं ये कहता हूँ जब भी संडे मिला है तो बाइक निकल जाओ और अपनी जिंदगी की जो आनंद है वो खुलो। वही यहाँ पे सोने से कोई फायदा नहीं कि काठियावाड़ में एक अद्भुत जगह है जो लोगों को पता नहीं, पर लोग क्योंकि घूमते रहते तो वो एक घूमने की एक अच्छा होता है, एक दिन घूमो ताकि उसका एक जरा आपकी एक कहानी शुरू हो जाए। मैं बस वैसे ही है, इसलिए अगर कुछ किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी है 9409201496, मेरा ये भी यूट्यूब है मैं मिले करूँगा मैं जो भी मेरा टाइम होगा तो। बाकी तो एनी टाइम कोई क्वेश्चन हो तो फेसबुक पे है मेरा, उसका आईडी भी है, इंस्टाग्राम में भी है, हाँ ये जो दिख रहे हो वो सब कुछ।
तो आपका खूब खूब धन्यवाद। और आज हमारे साथ और एक ब्लैक राइडर भी है, रज पांसुया। आज हम और मिलते हैं और एक और अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग इसके मंदिर पे, वहाँ पे थोड़ा शूटिंग भी होगा, वो दूसरा पार्ट। टुडे आई एम हियर विद ट्रैवलर बॉय इंडिया हु इज फ्रॉम डोराजी एंड ही असिस्टेड मी फॉर 2 months टू कम एंड वी विल टेक माय इंटरव्यू। सो आई थॉट लेट्स फुलफिल हिज ड्रीम एंड माय ड्रीम। Like there is a person called Raj. He is also from Doraji, and he was the first one to be interviewed by Vandar. So I'm here with a some slideshow. How my biking passion blood had it was like my father's genes in me. He was he's a restorer and collector of vintage cars, classic bikes and cars since 35 years before I was born in Jamnagar. Let me show you some stuff which I have in my phone. It's all about motorcycles. So this is here. This is the first bike. It's called AMI Agusta F4 1000cc engine. It's an Italian bike. As you can see, this is exhaust port. Inline port behind the pillar seat. This is called. This is my Himalayan. The first trip which I did to Ambur. Near this Sabarmati River on the Ahmedabad outskirts. Some of the pictures I have with my pets. And this is the off-roading which I did on the Enfield Talk. You can see this is a sticker over here. Okay, so do you see that the talk written is the same which is in my photo? Okay, now come here. This was on the speed of almost, I guess, 180 something around. This is a KTM as a first motorcycle I bought in 2015 when it was launched in India. And this is called, like, how many bikes you have. This is a Formula and this one. And this is the ride which we did in 2016 when I bought this first bike. It was white, this is snow white, but I did wrapping for 26,000. It's a USA wrapping, aerodynamic.